तो आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान पर पीएम की सुरक्षा में चूक के मसले पर बड़ी कवरेज। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, वहां की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे। फिरोजपुर में आज एमएचए की टीम पहुंची, वहां पर क्या हुआ वो भी तस्वीरों के साथ अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रीति के पास इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर में एक बड़ी खबर है। प्रीति, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है ये भी आप जान लीजिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामले से जुड़े रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश दिया गया है। पंजाब सरकार और सभी एजेंसी उनसे सहयोग करें। सोमवार को अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से गठित कमेटी की जांच पर दरअसल सोमवार तक रोक लगाई है और जो बाकी एजेंसी है उन्हें हेल्प करनी होगी, मदद करनी होगी, ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, एनआईए मामले की जांच में सहयोग करे। तो देखिए बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और अब सोमवार तक रोक लगा दी गई है क्योंकि अगला आदेश दरअसल अब सोमवार को सुनाई होनी है। और इसीलिए अंजीत भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजीत, बहुत बड़ी बातें तल्क टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की नजर आई और साथ ही साथ ये कहा है कि एनआईए मामले की जांच में सहयोग करे। बिल्कुल प्रीति, ये होना ही था क्योंकि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और न्यायिक जांच की मांग की गई थी उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या होना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि पीएम का काफिला रुकना गलत था, सरकार सहयोग करे। लेकिन जो बात लगातार कही जा रही पंजाब सरकार की तरफ से वो गंभीरता दिखाती नहीं है और माननीय अदालत ने भी इस बात का जिक्र किया कि कम से कम जो काफिला रुका पीएम का वो नहीं रुकना चाहिए था। ये अपने आप में बड़ी बात है, तल्ख टिप्पणी है। आखिर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला क्यों रुका रहा है? देखिए जब इस बात की जब आगे जांच होगी तब ये बात समझ में आएगी कि आखिर इसमें क्या कुछ कमियां हैं। किसी नतीजे पर पहुंच पाना जल्दबाजी है लेकिन जो वीडियो सामने आ रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे बहुत हद तक साफ हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश थी क्योंकि जिस रूट से पीएम को जाना था उस रूट पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। वो कैसे पहुंचे, उनको जानकारी किसने दी? क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर का रूट होता है तो वो बकायदा गुप्त रखा जाता है और जो सड़क मार्ग से जाने का रास्ता होता है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है वो रास्ता क्लियर हो। और दूसरी अहम बात, जैसे अगर प्रधानमंत्री फिरोजपुर बठिंडा से हेलीकॉप्टर से जा भी रहे थे तो भी एक रास्ता सड़क मार्ग का तय किया जाता है और वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। हालांकि इस पूरे मामले में एसपीजी क्लियरेंस जरूर देती है क्योंकि एसपीजी प्रधानमंत्री के सबसे करीब सुरक्षा करती है और सबसे करीब प्रधानमंत्री के एसपीजी, बाकी फिर एजेंसियां उनकी सुरक्षा करती हैं। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम जो जनता है वो जानना चाहती है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या कुछ कहा गया है। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि सोमवार को जो सुनवाई होने वाली है उसमें इंडिपेंडेंट प्रोब का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, यानी कि जिस तरह से तमाम जो मांगे की गई थी याचिकाकर्ता की ओर से वो इंडिपेंडेंट प्रोब को लेकर थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वो जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं, तमाम जो एविडेंस है उसको सुरक्षित रखे और इसके अलावा पंजाब सरकार के अलावा तमाम जो एजेंसियाँ हैं उनको भी कहा है कि रजिस्ट्रार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सहयोग करें, यानी कि जो तमाम सबूत हैं, तमाम रिकॉर्ड हैं उनको संरक्षित रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को कहा है। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जो सुनवाई करेगा उसमें कोई आदेश दे सकता है इस पूरे मामले को लेकर। सोमवार को कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, सबकी नजरें टिकी रहेंगी, बनी रहेंगी। सुमित, लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर मिल रही है वो भी बता दें अपने दर्शकों को। एमएचए ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को तलब किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एमएचए ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को तलब किया है, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ गृह मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम आज फिरोजपुर में मौजूद है। डीजीपी के अलावा 13 पुलिस अफसरों को भी तलब किया गया है, सीनियर अफसरों को फिरोजपुर में तलब किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब इनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी क्योंकि गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब के डीजीपी को तलब किया है। तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, अब देखिए एमएचए ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को तलब किया है, तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे और इसी के साथ जो 13 पुलिस अफसर हैं उनको भी तलब किया गया है। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, एक तो एमएचए ने किस तरीके से जो डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के और उनके अलावा 13 अफसरों को तलब किया है, यानी कि सवाल जवाब किए जाएंगे, आखिर कैसे चूक रह गई?
जी बिल्कुल, देखिए पंजाब पुलिस के जो डीजीपी हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी है, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर प्रधानमंत्री का काफिला चलता है तो उस काफिले में डीजीपी की गाड़ी होती है। दो राउंड तीन राउंड का एक डेमो चेक होता है प्रधानमंत्री के रूट पर, वो चेक करने के बाद ही क्लियरेंस दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है। जब तीन रूट बनाए गए थे तो उसके बाद भी प्रीति अगर इस तरीके की चीजें आती हैं सामने और मौके पर अगर डीजीपी की गाड़ी नहीं पहुंची, प्रधानमंत्री के कॉन्वे में डीजीपी की गाड़ी नहीं थी, तमाम सीनियर जो अधिकारी थे पंजाब पुलिस के वो नहीं मौजूद थे, तो आखिरकार में सुरक्षा चूक हुई कैसे? उसके अलावा जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि पंजाब पुलिस को पहले ही बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री के काफिले में इस तरीके की अड़चने आ सकती हैं। यह अड़चने आई भी, लेकिन जब आपके पास इंटरनल रिपोर्ट थी तो उस इंटरनल रिपोर्ट पर पहले सीएमओ ने और डीजीपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री और एसपीजी को इस बात की सूचना क्यों नहीं थी? प्रधानमंत्री के अलावा जो इंटेलिजेंस थी उनको इस बात की सूचना क्यों नहीं थी? तो अब जिस तरीके से एमएचए ने इन लोगों को बुलाया है, बुलाने के बाद इनसे पूछताछ होगा, इनकी बयान लिए जाएंगे और ये जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश होगी कि आखिरकार में गलती किसकी थी, आखिरकार में गलती किसकी थी, सजा किसको दी जाएगी, क्योंकि दोषियों पर कार्रवाई होना जरूरी है। अभिषेक, लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, पीएम की सुरक्षा में चूक पर राहुल गांधी का तंज सामने आया है। देखिए सीमाओं पर जो हो रहा है वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है क्या? कभी उस पर, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो सीमा पार हो रहा है और जो सीमाओं पर लगातार हो रहा है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री बोलेंगे। दरअसल ये ट्वीट क्या है राहुल गांधी ने, और ये कोई पहली दफा नहीं है, इस तरीके से पहले भी निशाना साधा है। लेकिन जरा समझिए, जब इस बार कांग्रेस से सवाल जवाब किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, और इस बार सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे बल्कि पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, तो फिर राहुल गांधी इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। अंजीत, देखिए पूरा देश कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है और जवाबदेही भी कांग्रेस की बनती है, तो ये समझते हुए किस तरीके से कवर अप करने की कोशिश, राहुल गांधी इस तरह का ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो सीमाओं पर हो रहा है क्या उसको लेकर कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भी राष्ट्र सुरक्षा का ही मुद्दा है। देखिए, ये जब इस तरह के ट्वीट होते हैं तो बहुत शर्मनाक लगता है, और शर्मनाक इसलिए लगता है क्योंकि आप जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात हो रही है कि पीएम का काफिला नहीं रुकना चाहिए था, इसी बीच आपका एक ट्वीट आता है जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं गांधी परिवार के, आपको याद होगा कि उनको तो सबसे ज्यादा इस बात की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास में सब जानते हैं कि कैसे राजीव गांधी को एक सुरक्षा की चूक की वजह से जान गंवाना पड़ा था, वो देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी को कैसे जान गंवाना पड़ा था, वो उनकी दादी हैं। तो कम से कम इससे तो उनको सीख लेना चाहिए, और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि जो बॉर्डर पर हो रहा है वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, क्या प्रधानमंत्री उस पर बोलेंगे? इस तरह के तंज मुझे लगता है कि ठीक नहीं है राजनीति में। राजनीति किसी स्तर पर भी करिए, लेकिन कम से कम अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला है तो आप कम से कम राजनीति मत करिए। दूसरी जो अहम बात है वो लगातार कांग्रेस, आप देखिए कुछ ना कुछ बचाव करने की चन्नी सरकार की कोशिश कर रही है, चाहे वो कल अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो या भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चाहे कांग्रेस शासित जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात हुई हो। सवाल इस बात का था कि सीधी सीधी बात है, आपकी जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री आपके राज्य में थे, बिल्कुल सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी। अंजीत, प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी दल के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, प्रधानमंत्री 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के हैं। और इसी के साथ लौटूंगी आपके पास। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने धरना शुरू कर दिया है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला, और पीएम की सुरक्षा में लापरवाही पर ये मौन विरोध कर रहे हैं, गुस्सा अपना इजहार कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, उनमें किस तरीके से देखिए ये बात साफ लिखी गई है जो उनका गुस्सा है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए वहीं से। अभिषेक, गुस्सा बीजेपी सांसदों का सामने आ रहा है। The security personals have to take out their weapons. It has never happened in the democracy, 70 years of our democracy in the nation. I think they should feel ashamed of rather than making such allegations and statements.